पहले तो दो शब्द गौशाला के बारे में कहना चाहता हूं। अपने हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बहुत ज्यादा महत्व है। आज भी हमारे घर में रोज सवेरे पहली रोटी गाय के नाम की निकलती है। गाय की सेवा की बहुत ज्यादा अपने हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है। मेरे को दुख तब होता है जब गाय के नाम पे राजनीति की जाती है, गाय के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। मेरे को दुख तब होता है, गाय से ज्यादा शांति प्रिय जानवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा शांति प्रिय पशु गाय है, और उसके नाम पे ये दंगा करा के, मारपीट करा के ये गलत किस्म की राजनीति करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमारे दिल्ली में गौशाला भी सबसे बढ़िया चल रही है। दिल्ली सरकार की जो गौशालाएं हैं, उन गौशाला के अंदर हमारी भवाना में जो गौशाला है, पूरे देश में उसको सबसे बढ़िया गौशाला का भी इनाम मिला है, सबसे बढ़िया गौशाला का अवार्ड मिला है। आप लोग अगर दिल्ली आओ, हमारे स्कूल भी देखना, अस्पताल भी देखना, लेकिन गौशाला देख के जरूर जाना। गौशाला में इतनी शानदार व्यवस्था है, जैसा भी इन्होंने बताया, 40 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 25 रुपए देने हैं प्रति गाय प्रतिदिन। हम 25 रुपए नहीं, 40 रुपए देते हैं। मेरे को बड़ा दुख है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी गाय 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 के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन पैसे देने की बात आए तो 40 पैसे प्रतिदिन प्रति गाय देती है। 40 पैसे में तो क्या गुजारा होता है? 39 पैसे हैं। तो कल मैंने एक और जगह बोला, मैंने कहा जी ये 40 पैसे में क्या गुजारा होता है, तो पत्रकारों ने जाके एक बीजेपी के बड़े नेता से पूछा, बोले जी वो केजरीवाल कह रहा है आप 40 पैसे देते हो, वो 40 रुपए देता है। तो वो बीजेपी का नेता कहता है हम 40 पैसे तो देते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं एहसान नहीं करते, तुम अपने पिताजी के पैसे नहीं देते, ये जनता का पैसा है, 40 पैसे जो देते हो ये कोई एहसान नहीं करते जो तुम 40 पैसे देते हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25 रुपए देने हैं। आज इस मंच के जरिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की सरकार को, खट्टर सरकार को, कि ये नकली गाय भक्त बनने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐलान करना पड़ेगा 40 रुपए हम देते हैं, 40 रुपए आपको भी देने पड़ेंगे, हर गाय के देने पड़ेंगे। या तो आप दे दो शांति से, नहीं तो हमको आता है कैसे निकलवाना आता है, फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।